भारत दोस्तों, आप लोगों के बीच रेवल सदानंद पति। आज चूंकि किसान दिवस है तो मुझे लगता है बात करना अनिवार्य है। बहुत ही बेहतरीन दिनों की शुरुआत चल रही है, साल जाते जाते कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को, भाइयों, सभी भाइयों को, सभी किसान भाइयों को और सभी देशवासियों को। हैप्पी किसान दिवस, जय किसान, जय भारत। लेके चलता हूँ अपने सहयोगी और मित्र रेवल की ओर। रेवल कुछ बहुत ही उम्दा बढ़िया बातें कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। आप लोग रेवल की बात सुने, उस पर गौर फरमाएं और इसी प्रकार बराबर हमें सपोर्ट करते रहें। जय किसान, जय भारत। इस वक्त मैं हाईवे में आप लोगों के सामने, और लगातार जितने दिन से भी आप देख रहे हैं, घर बैठना हम लोगों की किस्मत में नहीं है और ना ही हम लोग बैठना चाहते हैं घर में, ये भी मैं आपको बता दूं। आज वस्तुतः किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ताऊ देवीलाल और समस्त करोड़ों किसान जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, वस्तुतः उनके लिए बात करना जरूरी बनता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक बागी होने के नाते, एक रेबल होने के नाते, और हम ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाएंगे। लेकिन कुछ लोगों से आज मुझे कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि चलिए किसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बात कह दें आज कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। तो आज उस व्यक्ति के बारे में चार बात हो ही जाए। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो उनके बारे में पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों, कुछ महीनों पहले, लगभग साल ही होने जा रहा है जब ये रफाल डील हो रही थी, तो रफाल डील के एक साल पहले अनिल अंबानी जी ने हथियार बनाने का कारखाना डाल लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये कितना बढ़िया बात है कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। देश का निजीकरण करने का स्तर देखिए कि रफाल के आने से पहले ही, एक साल पहले, अनिल अंबानी जी की कंपनी रजिस्टर हो जाती है, और वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है जिसमें हथियार बनाए, ऑर्डिनेंस। और जबकि सरकार के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मोदी नगर, ये मुरादनगर और देश के कोने कोने में, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन अंबानी जी अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री डालते हैं। चलिए, ये तो हो गई रफाल डील की बात। अब दूसरे डील पे बात करते हैं। दूसरा डील इससे भी मजेदार है। आपने पीएनबी घोटाले का नाम सुना होगा। पीएनबी घोटाले का उजागर होने के चार महीने पहले नीरव मोदी जी देश छोड़ के भाग जाते हैं, और वो भी मोदी शासन में बीजेपी की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान। मतलब पीएनबी घोटाला होता है, घोटाला उजागर होने के चार महीने पहले ही, ये है देश बिकने नहीं दूंगा और अच्छे दिन के जुमले। अभी तो मैंने दो मुद्दे गिनाए, अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो फार्म ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसके बारे में गजब की सूचना मैं आपको देता हूं कि नोटबंदी के जस्ट पहले बिग बाजार खरीद लेते हैं अंबानी जी, बड़े वाले अंबानी जी बिग बाजार को खरीद लेते हैं और भी कई कंपनीज खरीद लेते हैं नोटबंदी के जस्ट, ये जो पीरियड है डिमोनेटाइजेशन के दौरान, ऐसा था कि जैसे इन लोगों को पहले से सूचना थी, बराबर। और अब अंबानी जी गूगल के साथ और बाकी कंपनियों के साथ एक ऑफिशियल टाई अप कर रहे हैं रिटेल बाजार के लिए, जो कि सब्जियों के बाजार के लिए। मजे की बात देखिए, पहले तेल, पानी, हवा, अब ये सब बेचेंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए अदानी जी के ऊपर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, आप लोगों को सुनना, जानकारी में लेना, क्योंकि जब आप जानकारी लेंगे तो आगे फैलाएंगे भी। 2020 में किसान बिल आता है और 2019 में अडानी जी लगभग 100 या 1000 गोडाउन बना लेते हैं, 17 कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर अदानी जी। तो सोचिए किस तरीके का प्लानिंग है। रफाल के पहले अनिल अंबानी जी अपना हथियार बनाने का फैक्ट्री डाल लेते हैं, बराबर। पीएनबी घोटाला उजागर होने से पहले नीरव मोदी जी भाग जाते हैं देश छोड़ के। और मजे की बात सुनिए, किंगफिशर उद्योग के जो सबसे बड़े व्यक्ति है विजय माल्या जी, वो विदेश जाने से पहले चार महीने पहले पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी से मिल लेते हैं। पता नहीं क्या मुलाकात होती है, विदेश चले जाते हैं, काला धन आए ना आए, लेकिन चले गए।
आराम से माल्या जी चले गए विदेश, लेकिन भाजपा सरकार के वित्त मंत्री से मुलाकात करके, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। ये आकस्मिक घटना नहीं है। रफाल के पहले अनिल अंबानी जी अपना हथियार का फैक्ट्री डालते हैं, बराबर, और इसके बाद मुकेश अंबानी जी आराम से बिग बाजार को खरीद लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन के दौर में, जहां पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहां देखिए किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है बिजनेसमैन को। उसके बाद विजय माल्या जी मिल लेते हैं पार्लियामेंट में अरुण जेटली सर, फुर्र करके उड़ जाते हैं, बराबर। और कमाल की बात देखिए, फार्म बिल जो है पास होता है 2020 में, लेकिन 2019 में अडानी जी जो है अपनी 17-18-20 कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, और 1000 गोडाउन बना लेते हैं पानीपत के पास, रायपुर में, हर जगह में। लेकिन कहा जाता है कि ये बिल किसानों के लिए, चूंकि आज किसान दिवस है, आप बताते हैं कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम नौकरीशुदा लोगों के लिए, आर्मी के लिए, फौजियों के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, पुलिस के लिए, ये सरकार कितना अच्छा है या नहीं है, अब इसका विश्लेषण करते हैं दोस्तों, जरूरी है। मेरे पीछे हाईवे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि कभी पीछे बैठे। जब ये सफर शुरू किया था तो चेहरा साफ था, आज दाढ़ी पूरी जंगल की तरह आपके सामने, और ये दाढ़ी कटेगी नहीं तब तक जब तक ये आंदोलन को उसके मुकाम तक पहुंचा ना दे। उसका कारण है, हमने परिवार छोड़ा, लाखों लोगों ने अपना परिवार छोड़ा। आज जो लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे गाजीपुर में, और इतनी बार जेल की यात्रा भी जो कर रहे हैं करनाल में, कल हमारे कुछ साथियों को जेल में डाला गया, वो धन्यवाद है राकेश टिकैत जी का, जिन्होंने सड़क को जाम किया कि जब तक किसान को नहीं छोड़ोगे हम भी सड़क नहीं छोड़ेंगे, आप किसान छोड़ दो हम भी सड़क छोड़ देंगे। बहुत बेहतर स्थिति थी, क्योंकि अब आज रमेश बिजुड़ी जी, जो कि इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा के, आज वो किसानों को गालियां दे रहे हैं, आज किसानों को गालियां दे रहे। बिजुड़ी जी, आप भी किसान परिवार से आते हैं, मेरे बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता पितरी समान, आप सांसद बन गए, कम से कम अपनी उचित भाषा का प्रयोग तो कीजिए, क्या इतने संस्कार भी नहीं है बिजुड़ी जी आपके अंदर? हम तो आपको बड़े भाई मानते हैं, आप सांसद बने लोगों के माध्यम से, लोगों के चुने हुए वोट में, ऐसी क्या सरकार की चमचागिरी कि आप सत्य के राह में भी नहीं आ पाए? मोदी जी सारे सच्चे, और ये जो लोग बैठे हैं सड़कों पे ये सारे झूठे। अदानी जी सच्चे, अंबानी जी सच्चे, विजय माल्या सच्चे, नीरव मोदी सच्चे, आप सच्चे, भाजपा के सब बंदे सच्चे, कुलदीप सेंगर सच्चे, तो फिर झूठे तो ये सारे भारतीय होंगे, हम सारे भारतीय झूठे होंगे, ये किसान झूठे होंगे जिनको आप खालिस्तानी बता दे रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कोई कह रहा है कनाडा से पैसा आ रहा है, अरे भाई पैसे तो आपके पास से आने चाहिए, इतनी बेहतरीन सरकार है आपकी, देश को इतने बड़े डिजिटल रेवोल्यूशन में लेके चले गए हैं आप, हमारे किसानों के जेब में तो आपने करोड़ों भर दिए। ये फार्म बिल के छोड़िए, आप तो पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार ने लठगाड़ा हुआ है, आप पेंशन खत्म कर दिए, आपने ONGC खत्म कर दिया, आपने भारत पेट्रोलियम को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने LIC को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने BSNL का नामो निशान मिटा दिया, और अब आकाशवाणी को आप खत्म कर रहे हैं, जो भारत की अपनी रेडियो है उनके तयशुदा कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। एक जगह तो बता दीजिए, माननीय आप लोग सब जो भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, किस मुंह से वोट मांगने आएंगे हमारे बीच में? आपकी आत्मा भी तो कुछ कहती होगी, सारे कंपनी तो बेचा आपने, आज तक दिया क्या है, लगाया क्या है? बिहार में देखिए, आज किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं ना, चलिए पशुपालन विभागों में चल के देखते हैं, चलिए देखते हैं किसानों के लिए कितने नहर बनाए आपने पिछले 7 साल में, चलिए ये पता करते कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वहां पे बिजली का बिल कितना है, कितना बिल आप माफ करते हैं? आइए पूछते हैं आपसे एक बात, गन्ना किसान के जो लोग हैं उनकी पेमेंट आपने कितने सालों से बकाया कर रखा है? आइए बात करते हैं, आइए मंच पे बैठते हैं, खाली के खाली गप्पे 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 और जुमले, और अब किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, आप और बेहतरीन शब्द ढूंढ के लाइए हमारे देश के महान राष्ट्र के महान किसानों के लिए। ये किसान है, कुछ मांगेंगे नहीं आपसे, आपको दान में सब दे देंगे, मांग के तो देखिए, ये अपना पसीना खून सब दे देंगे आपके लिए। और हम जैसे लोग जो अपने घर में अच्छा खासा 4 पैसे कमा रहे थे, हम जैसे साधारण भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमने अपना घरों का त्याग कर दिया, आपको क्या लगता है हमें अच्छा लगता है आपके बारे में कुछ बोलना, सड़क पे रहना, सारा सारा दिन अपने बच्चों से दूर रहना,
आपको क्या लगता है हमें अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बात सुन के बड़ा कष्ट होता है जब मैं अपने देश के नागरिकों को देखता हूं तो लगता है कि पढ़ा लिखा युवक हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, टॉपर रहा हूं यूनिवर्सिटी का। फर्ज बनता है, पढ़ाई किस बात के लिए की है अगर अपने मुल्क के लिए बात ना करें? वो शिक्षा किस काम की जो क्रांति के लिए आगाज ना करे? वो एजुकेशन किस काम का जो सच्चे बात को प्रकाशित करने में साथ ना दे? वो कॉलेज की पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई पे धिक्कार है जो शिक्षित होने के बाद भी एक व्यक्ति को सच्ची घटना पे सत्य बात कहने पे रोक दे? मैं ऐसे शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। मैं सेंट मैरीज टाटानगर से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। सेंट मैरीज, मेरे प्रिंसिपल फादर गॉलवर्ट क्रिश्चियन स्कूल है, मैं ब्राह्मण हूं और क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, और गर्व से सीना तान के आज एक बात बोलता हूं, शिक्षा का एक ऐसा असर हम लोगों के अंदर है कि जो सच को दुनिया के लिए कभी नहीं छोड़वाती, लेकिन दुनिया को सच के लिए हम छोड़ सकते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल साहब ने, हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाई, और ये भी किसान के औलाद हैं जो हमारे जो शिक्षक हैं, ये कोई आसमान से पैदा होकर नहीं आए थे। मेरे साथ इस वक्त 800 से ज़्यादा लोग लाइव पे हैं, उन लोगों को सलाम है। आज किसान दिवस है, किसान दिवस में कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान आंदोलन में आए और उचित तरीके से उनके सहयोग करें, उनका मनोबल को बढ़ाएं। हाईवे में ठिठुरते ठंड पे जब वो खड़े हो सकते हैं तो मैं यार आप क्यों नहीं? आइए उनका सपोर्ट करते हैं, आइए उनको अपना आगाज देते हैं, उनके आगाज को अपना आवाज बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और एक नेक काम के लिए प्रयास करें कि देश को कुंठित भाषा से बचाएं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पुनः आप लोगों को एक बार बता दूं, ये कमाल का देश है जहां एक व्यक्ति कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। वो ये वही व्यक्ति है जब रफाल डील आती है तो रफाल डील के एक साल पहले अनिल अंबानी जी अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री डाल लेते हैं शस्त्र बनाने की, और ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा जब नीरव मोदी पीएनबी घोटाले के 4 महीने उजागर होने के पहले भारत छोड़ के फुर्र हो जाते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये वही देश है बार, ये वही मंत्रालय है कमल छापों का जहाँ पे विजय माल्या जैसा एक अपदस्थ व्यक्ति, एक गिरा हुआ व्यक्ति जो लाखों करोड़ों हमारा लेके भागा है, वो अरुण जेटली जो कि उस वक्त वित्त मंत्री थे, उनसे संसद में मिलके पता नहीं क्या मीटिंग करता है, भाग जाता है। और ये वही देश है जहां मुकेश अंबानी जी नोटबंदी में खरीद लेते हैं बिग बाजार को, और ये वही देश है जहां खेती बिल तो आता है 2020 में लेकिन 2019 में ही अदानी जी के 1000 से ज्यादा गोडाउन बन जाते हैं। और ये वही देश है उसी व्यक्ति का नेतृत्व जो कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा जब मुकेश अंबानी गूगल के साथ और बाकी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेता है कि मैं रिटेल मार्केट में आऊंगा। तो आप सोच लीजिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, शिक्षकों के लिए कुछ नहीं, हम भारतीयों के लिए कुछ नहीं, हम मजदूरों के लिए कुछ नहीं। अब वक्त है रेबेलियन के लिए। हम बागी फाउंडेशन के रेबल सदानंद पति और 11 करोड़ से ज्यादा हमारे अपने साथी जो भारतीय, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग अपने क्षेत्र के विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाके खड़े होंगे लाखों के तादाद पे और उनसे पूछेंगे कि आइए हमें बताइए किसान बिल के बारे में, आइए हमें बताइए निजीकरण क्यों करा जा रहा है, आइए हमें बताइए प्राइवेट क्यों किया गया सारे एयरपोर्ट, आइए बताइए सारे सरकारी कंपनी क्यों बेचा गया, आइए हमें बताइए कि फौजियों के पेंशन क्यों रोकी गई, आइए हमें बताइए कि पुलिस वालों की पेंशन क्यों रोकी गई, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन क्यों रोकी गई, और आप मंत्रियों की पेंशन क्यों नहीं रोकी गई। और जब हम एक साथ एकजुट होकर इन बातों को और प्रश्नों को करेंगे तो ये जो किसान है जो मेरे पीछे लाखों के तादाद पे बैठे हुए हैं, जो कैंपों में बैठे क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं है तो बाहर आके हमें इंटरनेट के लिए लाइव होना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे जैमर लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन हम ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। किसान दिवस के दिन ये रेबल सदानंद पति का वादा है आप सभी के बीच में, अंत तक इस युद्ध को लड़ेंगे लेकिन सांकेतिक तरीके पे कानून के दायरे में लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह और भगवान की कृपा से और वाहेगुरु जी की फजल से और जीसस क्राइस्ट के फजल से हम कहीं ना कहीं अपने मुल्क को बचा के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई। इस वीडियो में मैं आपको हमारी जो लेटेस्ट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज की शू कलेक्शन है, इसमें करीब 12-14 वेराइटीज ऑफ शूज़ हैं जिनके थोड़े थोड़े 3 पीसेस, 4 पीसेस, 2 पीसेस, 1 पीसेस आर रिमेनिंग साइज के साथ, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
अब ये आप देखें, ये 699 में 3 पीसेस इसके अवेलेबल हैं, साइजेस मेंशन्ड हैं। ये नाइकीज फर्स्ट कॉफी शूज हैं, ग्रे कलर में विद अ ब्लू नाइकी साइन। दीज आर रियली लाइट एंड कंफर्टेबल शूज फॉर 699, 3 पीसेस इनके हमारे पास करेंटली अवेलेबल हैं। ये देखें एडिडास फर्स्ट कॉपी में 699 के 4 पीसेस अवेलेबल हैं, साइज 6, 7, 8, 9 में। एडिडास ग्रे कलर विथ ब्लू कॉम्बिनेशन है, 699 के हैं, जस्ट 4 पीसेस आर रिमेनिंग। ये आप देखें रीबॉक्स है फर्स्ट कॉपी 699 के 3 पीसेस आर रिमेनिंग, 8, 9, 10 साइज में अवेलेबल है। वाइट रीबॉक्स हैं विथ रेड कॉम्बिनेशन। ये आप देखें ये नाइकीज हैं, बड़े ही ट्रेंडी हैं, ब्लूज में 3 पीसेस आर अवेलेबल, इसमें साइजेस मेंशन्ड हैं, बड़े ही ट्रेंडी लाइट शूज हैं, वेरी वेरी गुड लुकिंग। मेरे तो ये वन माय पर्सनल फेवरेट्स हैं इन दिस वीक्स कलेक्शन सप्लायर। ये आप देखें ये फिला का, ये हमारा शू था जिससे शुरुआत की थी, वो 399 वाले, जिनके जो अभी दे आर गोइंग फॉर 599, इनकी बहुत बहुत डिमांड थी, 300 से ऊपर जूते ये हमारे बुक हुए थे, इनको हमने शिप किया। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल विथ अस, लेकिन बहुत छोटे नंबर्स में, अब 3-5 ही हैं। ये हैं ब्लू में भी फिला के सेम शूज़, 599 के अवेलेबल हैं, 3 पीसेस अवेलेबल हैं, ये साइजेस ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये ब्लू कलर भी काफ़ी पॉपुलर है, ब्लैक भी गया बट नाउ ही आउट ऑफ स्टॉक, ओनली हैव 3 ऑफ दीज ब्लू रिमेनिंग, ग्रीन में हमारे पास 3 रिमेनिंग है। ये अब आप देखें ये हैं 3 पीसेस अवेलेबल हैं 599 के, साइज 7, 8 और 10 भी इसमें साइज है। नाइकीज वेर दीज अ वेरी ट्रेंडी पार्टी सेमाई कैजुअल सेमाई फॉर्मल काइंड ऑफ शूज, वेरी वेरी ट्रेंडी, मुझे बहुत ही पसंद आए ये। इनमें से एक पैर तो इनफैक्ट मैंने भी खुद के लिए रखा है, आई एम पर्सनली यूजिंग वन। अब आप देखें ये एक और हमारे पास बड़े ही ट्रेंडी वेरी गुड लुकिंग नाइकीज हैं, रनिंग शूज़ 599 के, 3 पीसेस आर रिमेनिंग विद अस। डैम नीट कलर, व्हाट अ ब्राइट कलर दिस इज। अब इसके बाद आप देखें ये ब्लू में, ये बहुत ही पॉपुलर है, हमारे बहुत पीसेस निकले, 499 के है, इसका सिर्फ एक पीस रिमेन करता है साइज 7 में, ब्लू एडिडास विद ग्रीन कॉम्बिनेशन। Just have one piece remaining now in size 7 only of this. ये देखें इसके 499 के 2 pieces available हैं, size 7 और size 10 भी इसमें available है, Adidas में, grey with orange combination, very nice looking shoes. इनकी बहुत demand रही, इसमें बहुत हमारे पास booking आई इसकी। ये फिला के ग्रीन हैं बट डिफरेंट मॉडल में हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है, दीज आर ऑल्सो गोइंग फॉर 599, 4 पीसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, ये भी हमने इस बार मंगाया। और ये देखें आप ग्रे में एडिडास के ये 4 पीसेस हैं, इसमें एक डिफेक्ट है, एक जगह मिसप्रिंट है एडिडास का ऑन द साइड, बाकी 3 जगह सही है, एक जगह मिसप्रिंट है, ये साइड में आप देख रहे हैं एडिडास के जगह एडिबाज लिखा हुआ है, इसलिए दे आर गोइंग फॉर इवन चीपर, जस्ट फॉर 299 ईच 4 पीसेस आर रिमेनिंग। और फाइनली एक प्यूमा का हमारे पास एक पीस बस रिमेनिंग है 499 का, साइज 7 में, तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर साइज 7 आपको सूट करता है, जस्ट 1 पीस इज रिमेनिंग। Rest of all out of stock now. And finally, हमारी collection भी एक Nike's हैं, again blue in color, going for 599, 4 pieces इसमें available है, size 7, 8, 9 and 10 में। तो ये थी भाइयों जो इस बार की, इस वीक की हमारी collection, place your orders soon. अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9899874982, और जो भी आपको शू पसंद आए अलॉन्ग विथ योर शू साइज़ आप
प्री बुक कर सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको तो आप सीधे सीधे बुक करके परचेज ऑर्डर दे सकते हैं और इसको हम कल ही जस्ट द नेक्स्ट डे हम आपको इसको शिप कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर अवेलेबल विद अस, वी हैव द स्टॉक। थैंक्स, बाय बाय। अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज को अपना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। वी हैड ओवर 450 ऑर्डर्स इन द लास्ट 5 डेज और, एंड इस वीक के लिए कलेक्शन कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। बस ये 3-4 पीसेस स्टॉक, ये 10-12 डिज़ाइंस में बचे हैं। नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू न्यू स्टॉक जो नेक्स्ट वीक हमारे पास आएगा। सो कंटिन्यू टू सपोर्ट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज, कंटिन्यू टू शो योर लव, योर सपोर्ट, एंड कीप ऑर्डरिंग खुद के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, कलीग्स के लिए, सभी के लिए, क्योंकि इससे बेहतर डील वैल्यू फॉर मनी, कंफर्टेबल शूज एट सच चीप प्राइसेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ओनली एट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।